शूटिंग कहाँ पे हुई थी बाबू जी? माता जी का मंदिर है और माता का, कालकी माता का, ये देख सकते हैं भाई साहब। आज के 20 साल पहले। कितने? 20 साल पहले कालकी माता ना ऊपर। हाँ 20 साल पहले हुई थी। हाँ, माता जी। अच्छा तो हीरो हीरो बाद में आए थे, पहले डायरेक्टर आ गए थे बाद में। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बात आप 10-15 से डी रह गई है, ऊपर जाने ही हमको, बस हम पहुंच ही गए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग्स। मैं हूँ आमिर। हाय, मैं कार्तिक। और आज हम आपको ले जाने वाले हैं करण अर्जुन के एक शूटिंग लोकेशन पे। दोस्तों करण अर्जुन के जो गाना था, कौन सा गाना था कार्तिक? हेमा काली गाना था वो। हेमा काली जो गाना था, उसकी जो शूटिंग हुई थी वो अजमेर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर पुष्कर आता है एक जगह, वहाँ पर एक शूटिंग हुई थी करण अर्जुन की। और जो मंदिर है काली माता का, वहाँ पर ही गाने की शूटिंग हुई थी। शाहरुख खान, सलमान खान और जो काजल वगैरह जो भी मतलब आज थी, सब ने डांस किया था, आपने देखा ही होगा। और जितने भी हिंदुस्तानी है उनके रंग रंग में मस्ती करण अर्जुन, और सैकड़ों बार देखी हमने टीवी पे, सेटमैक्स पे आती है, और भी काफी लोगों की पसंद रहा है। तो आज हम आपको वही लोकेशन पे ले जाने वाले हैं करण अर्जुन की, देखेंगे वहाँ जाके क्या चेंजेस आए और वहाँ पे कैसा माहौल है, अब क्या क्या बदला है, क्या क्या अभी वैसे ही है। वहाँ पर शूटिंग लोकेशन पे आपको दिखाएंगे जाकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते अपने लोकेशन पे। क्यों करते मिलते हैं करण अर्जुन के सेट पे। ले गए थे हम, पहुंच गए पुष्कर। वो पुष्कर में आते ही हमको ये कि पोस्टर दिखा है, ये देखिए आप, करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी यहाँ पर ही। जो ये मौत होती करण अर्जुन की दुर्जन सिंह, नाहर सिंह, शमशेर सिंह द्वारा, उसका दृश्य भी यहीं फिल्माया गया था, देख सकते हैं। माता जी का मंदिर है और माता का, कालकी माता का, ये देख सकते हैं भाई साहब। आज के 20 साल पहले। कितने? 20 साल पहले कालकी माता ना ऊपर। हाँ 20 साल पहले हुई थी। हाँ, माता जी। अच्छा तो हीरो हीरो बाद में आए थे, पहले डायरेक्टर आ गए थे बाद में। गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ से, मंदिर का रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता जा रहा है, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा मंदिर है, बहुत ही ऊंचाई पे, हमको वहाँ पर जाना होगा। अभी गर्मी बहुत तेज है गाइस, तो अब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने करण अर्जुन में देखा था सेम वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर हमको। हाँ, और बहुत मजा आ रहा है करण अर्जुन, बिल्कुल पुराने जमाने जैसा लग रहा है कि हम पिक्चर का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, पुराने जमाने शानदार मजा आ रहा है यहाँ पर आकर हमको। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, बहुत देर लगने वाली है अपन को, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं मंदिर। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में सीढ़ी देखने को मिलेगी, लेकिन हम भी इधर भी चढ़ेंगे, हम दोनों डट के सामना करेंगे बिल्कुल और हार नहीं मानेंगे। बहुत ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर बहुत, और गर्मी भी, धूप भी बहुत तेज हो रही है, जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी भी काफी हो रही है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे आगे। हमको नीचे बाबू जी मिले थे दोस्तों, तो उन्होंने बताया था जो राकेश रोशन है, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। उनका विचार यहाँ से इसी मंदिर से आया था, उन्होंने बोला था कि गाना यहीं बनाएंगे वो। और एक ही बार में उन्होंने ये शूट जो है लोकेशन ये फाइनल कर ली थी, ये मेरे पिक्चर में दिखाया जाएगा।
और ये ऐसा कोई मतलब राना छूट करने का उनका कोई विचार नहीं था शायद, लेकिन दर्शन करने के बाद इन्होंने मंदिर को फाइनल किया, उसके बाद उन्होंने पिक्चर में गाना भी। तो भाई साहब चलते हैं ऊपर की ओर। विश्वास किया करता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये पेड़ पे चार पांच बंदर बैठे हुए हैं। वो मेन होता क्या है कि आप अगर ये आप पे हमला कर देते हैं ना, तो आप कहीं भाग नहीं सकते। इस तरफ भी खाइए, उस तरफ भी, सैकड़ों फीट नीचे घेरी खाइए, तो आप जाएं तो जाए कहाँ। ये देखिए आप भाग भी नहीं सकते हैं थकावट के मारे। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है ये ये देखिए गाइस, ये रोपवे केबल ट्रेन बोलते हैं इसको, और नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है सवारियों को लेके ही, जो लोग चल नहीं पाते उसमें सफ़र करते हैं। हम भी बैठने वाले थे पहले इसमें, लेकिन हमारे अमित भैया हैं, उन्होंने मना कराया, क्योंकि रिसेंटली अजमेर में भी एक हादसा हुआ, डिज्नीलैंड करके एक मेला होता है, तो उसमें हादसा हो गया, एक टावर वाला झूला था जो नीचे के गिर गया, कई लोग इंजर्ड हुए इसमें, तो हमने ये रिस्क नहीं लिया। ये देखिए बीच में अटक गया, ये चारों झूले बीच में अटक गए, और नीचे सैकड़ों फिट की घेरी खाई है, जो ऐसे में कैसा लगेगा आपको, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये रिस्क नहीं लेना, इससे अच्छे पैदल ही सही है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। और कितनी सीढ़ी है ऊपर, 400-500 है अभी भी, और ऊँची अभी। माता जी का दर्शन कराया तो बढ़िया, हजारों हजारों, सही बात है। अच्छा अच्छा ठीक, अब 10-15 सीढ़ी रह गई है, बस ऊपर जाना ही हमको, बस हम पहुंच ही गए अब। इससे पहले आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत खूबसूरत है, हमने भी सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, चलते चलते थक गए, बहुत ही गर्मी हो रही है यहाँ पर, पसीने में लथपथ हो गए बिल्कुल, बहुत तेज गर्मी है, कई लोगों को गर्मी के कारण बैठे हुए चढ़ा नहीं जा रहा। देश विदेश के भी बहुत लोग आते हैं, इसराइल के बहुत लोग मिले हमको। देखिए गाइस, ऐसी खतरनाक गर्मी में आराम फरमाते हुए बांद्री जी, साथ में उनका बच्चा भी है। हेलो, और ये क्या, इनके पापा जी बैठे हुए हैं, साथ ही परमेश्वर भी, वो रूठे हुए हैं देखे इनसे। फाइनली गाइस, हम आ गए मंदिर के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, इसका पक्का निर्माण किया गया है, अब पुनः निर्माण किया गया पक्का, और उस ज़माने में ये काफ़ी कच्चा हुआ करता था, खंडहर टाइप, देख सकते हैं आप, टाइल्स वगैरह लगाए मार्बल, और ये नज़ारा देखिए आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुझे लगता है यहाँ पर ही शूटिंग हुई होगी काफ़ी सीन की, पहाड़ वहाड़ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और पंडित जी हैं जो यहाँ के और भी सस्ते हैं, उनसे हमने बात करी तो उन जानकारी मिली कि जो काली माता की मूर्ति है वो यहाँ पर राकेश रोशन ने सेट बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति है वो सावित्री माता की है, जो यहाँ पे
काली माता की जो मूर्ति है उसकी जगह सेट बनाया था। बाकी गाने की जो मूलत शूटिंग है वो यहीं की गई थी। इसके सभी साक्ष्य हैं, कई लोगों ने देखी भी है, किसी के दादा ने, परदादा ने। बाकी मंदिर तो वही है।